विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मेरे पिछले वीडियो में हमने समूह का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं पर चर्चा की थी। आज हम समूह के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। चलो तो हम शुरू करते हैं। समूह का वर्गीकरण, कुछ आधार एवं प्रकार। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है, फिर भी समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने मानव समूहों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह छोटे भी हो सकते हैं तथा बड़े भी। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, यह सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जॉर्ज सिमेल, जॉनसन, होमंस ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। होमंस ने स्वयं पांच छोटे समूहों का अध्ययन किया। आपने बताया कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूहों के रूप में ही है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियां, सभ्यता सभी विघटित हो गई, तोड़ी गई, उन्हें नष्ट किया गया, लेकिन प्रत्येक सामाजिक संगठन के मध्य भी छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रखे सके। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर तथा पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया है। इन विद्वानों ने समान हित के आधार पर बड़े हितों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मर्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया है, फिर भी इतना तो निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक रहते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह का। समूह का एक वर्गीकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में किया जाता है। औपचारिक समूह की स्थापना कुछ निश्चित नियमों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार के समूहों की स्थापना किसी विशिष्ट हित या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। औपचारिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता का अभाव पाया जाता है तथा विधान एवं नियमों के द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले को समूह से बहिष्कृत कर दिया जाता है अथवा दंडित किया जाता है। राजनीतिक दल, श्रम संगठन, विद्यार्थी परिषद, कॉलेज, स्कूल एवं राष्ट्र आदि औपचारिक समूह के उदाहरण हैं। अब चर्चा करते हैं अनौपचारिक समूह की। अनौपचारिक समूह में औपचारिक समूह के विपरीत प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये प्राथमिक समूह के अधिक निकट हैं। इनका आकार छोटा, सदस्यों की संख्या उनमें आत्मीयता, सदस्यों की जो संख्या है वो कम होती है, आत्मीयता पाई जाती है, घनिष्ठता, शारीरिक समीपता, संबंधों में स्थिरता व निरंतरता पाई जाती है। अनौपचारिक समूह के सदस्यों में हम की भावना तीव्र होती है। इनमें आमने सामने के घनिष्ठ एवं स्वतः निर्मित संबंध पाए जाते हैं। सर्वप्रथम मानव ने और अनौपचारिक समूह का निर्माण किया था। अनौपचारिक समूह में परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, गपशप समूह, नातेदारी समूह आदि आते हैं। इस प्रकार के समूह में सरल ग्रामीण एवं आदिम समाज में अधिक पाए जाते हैं इस प्रकार के समूह। अब हम बात करते हैं स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर स्थायी और अस्थायी समूहों के रूप में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि परिवार, नातेदारी समूह तथा शिक्षण संस्था आदि, जिनकी हर समय आवश्यकता बनी रहती है। ये समूह स्थिर समूहों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे कि भीड़ एवं श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं। कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बोटोमोर ने स्थिर और अस्थिर समूह के बीच समूह के एक विशेष प्रकार अर्ध समूह या आभासी समूह का भी उल्लेख किया है। हम की भावना के आधार पर अंत्य समूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण समनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपने इस आधार पर दो प्रकार के समूह बताए, अंत्य समूह और बाह्य समूह। अंत्य समूह को हम समूह और बाह्य समूह को हम वे समूह के नाम से भी जानते हैं। एक अंत्य समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण अंत्य समूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। एक अंत्य समूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ तथा अन्य समूहों को हीन मानते हैं। एक अंत्य समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में भी वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक अंत्य समूह में पाई जाती हैं। अतः अंत्य समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के विपरीत विशेषताओं वाले समूह न होकर हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। अंत्य समूह
एवं बाह्य समूह को कोई निश्चित विशिष्ट आकार नहीं होता। एक अंतर समूह परिवार जितना छोटा एवं विश्व जितना विस्तृत हो सकता है। एक अंतर समूह में वे सब लोग आते हैं जो हम सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, अर्थात जिन्हें हम अपना समझते हैं, हमारा परिवार, हमारी कक्षा, हमारा कॉलेज, हमारा देश, ये सब अंतर समूह हैं। जिन समूहों को हम अपना नहीं समझते भी बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अंतर समूह के सदस्य एक दूसरे से साधारणतः सहयोगी और मित्रपूर्ण व्यवहार रखते हैं, परंतु बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता, भय तथा संदेह की भावना पाई जाती है। विभिन्न राजनीतिक दल, श्रमिक संघों एवं राष्ट्रों में कई बार एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावनाएं हमें देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे प्रकार्यात्मक आधार पर। व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के समूह निर्मित हो जाते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने हुए समूह के माध्यम से होती है। नगरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब, संगीत मंडली आदि दिखाई पड़ते हैं। गिडिंग्स तथा गिलिन और गिलिन नामक विद्वानों ने इन समूहों को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूह के रूप में समझाया है। आकांक्षा के आधार पर, जिसको हम संदर्भ समूह भी कह सकते हैं, यह समूह भी निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। मर्टन ने इस आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। आपने इस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। स्टाउफर तथा उनके साथियों ने अमरीकी सिपाहियों की आकांक्षाओं, व्यवहार तथा कुंठाओं का अध्ययन किया और उन्हें संदर्भ समूह के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। मर्टन की मान्यता है कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षहीनता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता के भाव जागृत होते हैं और वह किसी अन्य समूह को ऊंचा समझने लगता है, उसे अपने समूह की तुलना में श्रेष्ठ समझने लगता है। यह अन्य समूह जिसे वह श्रेष्ठ मानता है, जिसका वह सदस्य बनना चाहता है, जिसके अनुरूप व्यवहार करने का, जिसके मूल्यों एवं जीवन के तरीकों को अपनाने का प्रयत्न करता है, व्यक्ति का संदर्भ समूह कहलाता है। संदर्भ समूह सदैव सापेक्षहीनता के कारण ही बनते नहीं बनते बल्कि महत्वाकांक्षा के कारण भी बनते हैं। सामाजिक संबंधों के आधार पर, यह भी समूह के वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूहों को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया गया है। इस दृष्टि से चार्ल्स कूले द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया। बाद के समाजशास्त्रियों ने प्राथमिक समूह से भिन्न विशेषता वाले समूहों को द्वितीयक समूह के नाम से संबोधित किया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सामाजिक समूह के वर्गीकरण पढ़ा। आने वाले वीडियोज़ में हम प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।